पश्चिमी यूपी में जहां किसान आंदोलन ने सियासी गलियारों की गर्मी बढ़ा रखी है, तो वहीं अब चुनाव आते ही जाट आरक्षण का मुद्दा भी सामने आ गया है। मेरठ में हुई जाट आरक्षण समिति की बैठक में प्रधानमंत्री को उनके किए वादे को याद दिलाते हुए आरक्षण की मांग की है। माना जाता है कि वेस्ट यूपी के कई जिलों में जाटों का वर्चस्व है। ऐसे में प्रधानमंत्री के कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद अब जाटों को भी अपना आरक्षण वाला भविष्य नजर आने लगा है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट के साथ ही उत्तराखंड की 15 तथा पंजाब की 100 से अधिक सीटों पर जाटों का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण को लेकर आगामी 1 दिसंबर 2021 से जनगणना अभियान शुरू किया जाएगा। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में जाट आरक्षण को लेकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह से जाट आरक्षण समिति के पदाधिकारियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें उनका हक मिले। अभी सरकार के पास धमका नहीं रहे, हम सरकार से ना कोई धमकी दे रहे, हम तो ये कह रहे कि सरकार ने जो वादे किए थे वे वादे पूरे कर ले। हमारी सरकार को धमकी नहीं है, हमारा निवेदन है सरकार। अब पश्चिमी यूपी में तमाम मुद्दों के बीच जाट आरक्षण चुनावी मुद्दा बन पाता है या नहीं, लेकिन फिलहाल जाट नेताओं ने भाजपा सरकार को अल्टीमेटम दे ही दिया है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।